हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने एक नए सीरीज को लेकर आ रहा हूं। और ये सीरीज क्या है, बेसिकली ये एक रिक्वायरमेंट है आज के डेट में। यदि मैं बात करूं, यदि आप एक स्टूडेंट्स हो, आप बीसीए कर रहे हो, आप एमसीए कर रहे हो, इवन आप बीटेक कर रहे हो, इवन आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो, यदि आप बीबीए के स्टूडेंट्स हो, इवन आप 10th 12th में हो, आज के डेट में लोगों को एक बात रहती है कि भाई हमें वेबसाइट बनाना आना चाहिए। आज के डेट में हर एक आदमी ये सोचता है कि उसे कम से कम इतना तो हो कि वो एक वेबसाइट बना ले, मैं एक सिंपल सा एक वेबसाइट बना लूँ। यदि मेरे पास मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके पास कोई शॉप है, या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं चाहता हूँ भाई, मैं अपने खुद के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेबसाइट बना लूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आप वेबसाइट बनाओगे कैसे। वेबसाइट बनाने में कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आज मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ बिल्कुल फंडामेंटल्स की, बिल्कुल बेसिक्स की, कि आप यदि वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वेबसाइट्स के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है हमारे पास, और वेबसाइट आप बनाओगे कैसे। फर्दर हमारे पास एडवांस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। आप जावा यूज़ कर सकते हो, आप .NET यूज़ कर सकते हो, आप पाइथन यूज़ कर सकते हो, आप PHP यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। लेकिन ये जितनी भी टेक्नोलॉजी का मैंने नाम लिया, इनके ऊपर जो बेसिक्स है, जो बेस है, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो है हमारा HTML। बिलीव मी, यदि मुझे HTML नहीं आती है, मैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम नहीं कर सकता हूँ। HTML इज नोन एज द मदर लैंग्वेज ऑफ द वेब। ये वेब की मदर लैंग्वेज है। आप जितने भी वेब पेजेस देखते हो, जब आप गूगल करते हो, आप किसी वेबसाइट्स को ओपन करते हो, आप जितने भी वेबसाइट्स को देखते हो जो आपके ब्राउजर में खुल रहा होता है, कहीं ना कहीं वो HTML में ही बना है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ वी कैन डेवलप द वेबसाइट्स बाय द यूज ऑफ HTML। और अक्सर मैंने देखा है YouTube पे कई सारे वीडियोज़ हैं जो HTML के बारे में हैं और HTML ट्यूटोरियल्स के बारे में। बिलीव मी, मैंने भी जब फॉलो करने की कोशिश करी उन वीडियो को, मैंने देखने की कोशिश करी कि उन वीडियोज़ के अंदर है क्या। आप विश्वास करें, मैं तो कम से कम बोर हो गया। बोर इस बात से हो गया, चार पर्टिकुलर टैग हैं, एक एक लाइन के टैग हैं, उसके लिए एक वीडियो, फिर चार टैग हैं उसके लिए दूसरी। भाई मैं कितनी वीडियो को ओपन करूँगा। तो मैंने इसी प्रॉब्लम को समझते हुए आज मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी की पूरी HTML सिखा दूं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम का हो। अक्सर लोग बोलते हैं कि वीडियो का साइज जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वीडियो का साइज छोटा हो रहा है या वीडियो का साइज बड़ा हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सीखना है, और ये आप लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ HTML। सबसे पहले आज हम बात करेंगे HTML की, HTML के बाद हम लोग बात करेंगे CSS की, और उसके बाद हम बात करेंगे JavaScript की, और खास करके दो चीज़ें जिनकी मैंने बात करी है, मैंने बात करी HTML और मैंने बात करी CSS, जिसे जाना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप कर क्या सकते हो। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ HTML। सो लेट मी स्टार्ट विद HTML फर्स्ट। HTML के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं डालना। यदि आपके पास सिंपल सा कोई सिस्टम है, आप नॉर्मल एक नोटपैड तो होगी ही, उसमें आप नोटपैड ओपन करो, नोटपैड ओपन करने के बाद आप अपने काम को स्टार्ट करो। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है, फिर आप किसी के पास जाओगे, पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर लोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू ओपन द नोटपैड। आपको नोटपैड ओपन करनी है, नोटपैड में कोड लिखना है, और किसी न किसी ब्राउजर के अंदर आपको उसे रन करना है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ HTML की। अभी मैं बात करता हूँ HTML में, HTML की सबसे पहले ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, दिस इज द कमेंट लाइन। ये कमेंट लाइन बोलते हैं इसको, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कमेंटिंग होती है। अब यदि आप सी में काम करते हो, सी के अंदर हमारी अलग कमेंटिंग होती है। यदि आप जावा की बात करते हो, आप .NET के, हर एक लैंग्वेज की अपनी कमेंट लाइन होती है। कमेंट लाइन का मतलब होता है जिस लाइन का हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो दिस इज द कमेंट लाइन इन HTML। मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू HTML। जब मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ HTML, सबसे पहले हमें यह तो पता हो कि भाई HTML का फुल फॉर्म क्या है। ये जो हमारी HTML है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही है क्या हमारा, हम ये बोल सकते हैं दिस इज द मदर लैंग्वेज ऑफ द वेब। ये वेब की मदर लैंग्वेज है। जब कभी भी आपको वेबसाइट की बात करनी है, यदि हमें वेबसाइट की बात करनी है, तो भाई सबसे पहले हमें HTML पता हो, फिर मैं वेबसाइट की बात करूंगा। यदि हमें वेब पेजेज बनाना है, वेबसाइट बनाना है, इनिशियली आई विल गो फॉर द HTML। सो HTML इज व्हाट, दिस इज द मदर लैंग्वेज ऑफ द वेब। हम लोग इसको ये भी बोलते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। का मतलब होता है जहाँ पर हमारे ये टैग होते हैं, लाइक HTML में क्या है, यहाँ पर टैग होते हैं, दिस इज कॉल्ड टैग। जैसे हम यहाँ पर टैग यूज करते हैं,
ये हमारा टैग होता है, जैसे मैं यहाँ पे टैग यूज करता हूँ एच वन। अब ये एच वन के अंदर मान लीजिए मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा, फाइनली मैं इसे क्लोज करूंगा इस एच वन को, तो ये हमारा ओपन टैग है, इसको हम बोलते हैं टैग, और ये हमारा क्लोज टैग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैग। ये हमारा ओपन टैग है, इट्स अ काइंड ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप क्यों बोलते हैं, बिकॉज आपने मार्किंग कर रखा है कि ये हमारा एच वन स्टार्ट होता है यहाँ से और ये हमारा एच वन यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द टैग इज। हम लोग इसको ये भी बोलते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ टैग ड्रिवन लैंग्वेज, इट्स अ काइंड ऑफ टैग ड्रिवन लैंग्वेज। टैग ड्रिवन लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे जो कुछ भी होना है वो टैग के अंदर होना है। तो यहाँ पे दो तरह की टैग होती है, एक को हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वो टैग होती है जिसे हमें क्लोज नहीं करना होता, जैसे आपने लिखा बी आर, बी आर होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। यदि आप यहाँ पे बी आर लिखते हो तो बी आर को यहाँ पे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच आर, अब एच आर इज बेसिकली फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि आप यहाँ पे एच आर टैग यूज करते हो तो एच आर टैग को मुझे यहाँ पे फिर क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो जिन टैग को हमें क्लोज नहीं करना होता उसे हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। और दूसरा होता है हमारा कंटेनर टैग। ये जो हमारा कंटेनर टैग होता है, कंटेनर टैग का मतलब होता है जिन टैग को आपको ओपन करना है एंड फाइनली उसे क्लोज करना है, उसको हम बोलते हैं कंटेनर टैग, जहाँ पे ओपन एंड क्लोज आपको लिखना है। तो दिस इज कॉल्ड कंटेनर टैग। तो दो तरह के टैग होते हैं एचटीएमएल के अंदर। एचटीएमएल के साथ जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे जो हमारे एचटीएमएल के अंदर जो आप पेजेज बनाते हो, यहाँ पे हम वेब पेज बनाते हैं, बहुत सारे वेब पेज को मिलाने के बाद हमारे वेबसाइट्स बनते हैं। जो हम यहाँ पे पेजेज बनाते हैं उस पेजेस के एक्सटेंशन होते हैं हैव एन एक्सटेंशन .html, इसका एक्सटेंशन होता है .html, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो .htm, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आप html कर दो या फिर आप html यूज़ कर लो। सो द एक्सटेंशन ऑफ द पेजेस इज बेसिकली .html और .htm। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे जो पेजेस होते हैं इसमें दो सेक्शन होते हैं मेनली। इसकी जो पहली सेक्शन होती है वो होता हमारा हेडर सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं हेडर सेक्शन, और दूसरा होता हमारा बॉडी सेक्शन। ये जो हमारा हेडर सेक्शन होता है यानी कि हेड के अंदर आप क्या क्या डालते हो, हेड के अंदर हम टाइटल डालते हैं। अक्सर मैं ये सवाल लोगों से अक्सर इंटरव्यूज में करता हूँ कि आप हेड के अंदर क्या क्या डालते हो, तो नॉर्मली एक जवाब मिलती है टाइटल। टाइटल के अलावा इसके अंदर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट भी डालते हैं, जावा स्क्रिप्ट या जेक्वेरी या बूटस्ट्रैप्स के स्क्रिप्ट्स वगैरह हमें डालना हो तो हम स्क्रिप्ट डालते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सीएसएस डालते हैं कास्केडिंग स्टाइल से, मैं इसे डिस्कस करूँगा। अदर देन दैट वी कैन ऑल्सो गो फॉर द मेटा टैग, हम यहाँ पे मेटा टैग डालते हैं, और ये मेटा टैग नॉर्मली एसईओ में यूज़ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, आई विल डिस्कस अबाउट दैट। और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर होता है बॉडी के अंदर हम यहाँ पे हमारा टेक्स्ट होता है, जो कंटेंट होता है, जो आपके टेक्स्ट होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, जो हमारे लिंक्स होते हैं, मतलब जो हमारे कंटेंट होते हैं वो आपको कहाँ पे डालनी है, कंटेंट्स वी नीड टू पुट इन द बॉडी। सो एचटीएमएल हैविंग द टू सेक्शन, वन इज द हेडर सेक्शन और जो दूसरी होती है हमारी वो हमारा होता है बॉडी सेक्शन। हेडर के अंदर हमारी ये चीज़ें आती हैं और ये हमारा बॉडी में आता है। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं जस्ट एचटीएमएल का पेज बनाने के लिए। सबसे पहले मैं इस कमेंट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ये यह आपने यहाँ पे कमेंट कर दिया था, इस कमेंट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखा कि आप जो करने जा रहे हो उसका मतलब क्या है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एचटीएमएल में देखें, एचटीएमएल लिखने का अपना एक तरीका है, और तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा एचटीएमएल, मैंने एचटीएमएल से स्टार्ट किया एंड फाइनली आई नीड टू क्लोज दिस, मैंने इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मान लीजिए एचटीएमएल में दो सेक्शन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेड, और आप हेड को क्लोज कर दें। आदत ये बना लें कि जिस टैग को आप ओपन करते हो उस टैग को इमीडिएट वहाँ पे क्लोज कर लो। मैंने यहाँ पे डाला बॉडी और मैंने यहाँ पे फिर डाला बॉडी। अब ये हमारा हेड है, हेड के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ टाइटल, मैं यहाँ पे डालता हूँ टाइटल, मैं यहाँ पे डालता हूँ टाइटल, और इस टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू, मैं यहाँ पर बॉडी में आता हूँ, उस बॉडी के अंदर आपको जो कुछ भी लिखना है, जो डिस्प्ले करना है वो आप डालते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालता हूँ H1 और मैं यहाँ पर डालता हूँ वेलकम इन माय YouTube चैनल। मैंने यहाँ पर डाला वेलकम इन माय YouTube चैनल एंड फाइनली मैं यहाँ पर H1 को बंद करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अभी हमारा पेज तैयार हो चुका है, आपका ये हेड है, हेड के अंदर आपने ये डाल दिया है, हेड में आपको जो भी डालना है दैट विल बी अपीयर इन द टाइटल, ये यहाँ पर सबसे ऊपर में आएगा, और ये हमारा बॉडी है दैट विल विद अ पार्ट ऑफ द ब्राउजर के अंदर ये हमारा डिस्प्ले हो रहा होगा। और मैं इसे अब यहाँ पे सेव करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल में आता हूँ और किसी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर मैं जाता हूँ और उस पर्टिकुलर ड्राइव में मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लेता हूँ। और मैं एक चीज़ और, जब आप फाइल को सेव करें ऑलवेज भाई नॉर्मली हम ऐसे सेव करते हैं, मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया a.html। अब a.html आपने दे दिया, आपने यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करा, आपने कोई डबल कोटेशन नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट ये आपका फाइल हो जाएगा a.html.txt। तो बेहतर ये कि आप अपनी एक आदत बना लें कि जब कभी भी आप फाइल को सेव करते हैं ऑलवेज यूज द डबल कोटेशन ओवर देयर। आप यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर सेव करें तो मेरा ये फाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो रहा है। अब ये फाइल मेरा डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव हो चुका है, ये हमारा फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है,
मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को रन करना है, तो आप रन करने के लिए क्या करेंगे, या तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँ, इट विल ओपन इन द ब्राउजर। अब ये हमारा यहाँ पर ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। अब ये सबसे पहले आपने जो टाइटल दी थी यहाँ पे वो आ रहा है माई फर्स्ट वेब पेज, और हमारा यहाँ पे आ रहा है वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब हमारा ये पेज तैयार है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रन कर सकते हो, चूंकि ये HTML फाइल है तो आप डबल क्लिक करोगे तो ये नॉर्मली ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट आप अपने क्रोम को ओपन कर लें। क्रोम को ओपन करने के बाद इस पर्टिकुलर फाइल आप ये देख लें इसका पाथ क्या है। मैं प्रॉपर्टीज में आता हूँ, इसका जो पाथ है सी के अंदर यूजर के अंदर ये यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है। मैं इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, मतलब आप ये यहाँ पर पूरा पाथ दे दो उस फाइल का, अदरवाइज आप उसे सी ड्राइव, ई ड्राइव, ई ड्राइव कहीं भी कॉल कर लें। मैं यहाँ पर फाइल का नाम देता हूँ a.html। अब मैं ये देता हूँ, ये पेज हमारा यहाँ पर खुल के आ गया। सो ये हमारा फर्स्ट HTML के एग्जाम्पल्स थे जो आपके सामने हैं। आपको ध्यान रखना है, आपने जो टाइटल दिया था वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपको अपने पेज का नाम देना है, लेकिन पाथ के साथ। यदि आपका फाइल ई ड्राइव में है तो आप ई का पाथ दोगे, यदि डी ड्राइव में है तो आपको यहाँ पर पाथ देना है, और यहाँ पे ये आपका बॉडी है जो आपने वहाँ पे लिखा था, ये हमारे यहाँ पे खुल गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर से मुझे इसमें चेंजेस करने हैं। यदि मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे H1 टैग यूज़ किया है, H1 स्टैंड फॉर हेडिंग 1। अब मैं यहाँ बोलता हूँ H2, H3, H4, H5, H6, हेडिंग 6 तक होता है ये, ऑटोमेटिक जो इसकी साइज है वो छोटी होती चली जाएगी। अब मैं यहाँ बोलता हूँ H5 और H6, एंड मैंने बता रखा आपको जिस टैग को आप ओपन करेंगे ये आपकी जवाबदेही बनती है कि आप उसे क्लोज भी करें। मैंने यहाँ पर उसे क्लोज कर दिया, और मैंने उसे क्लोज कर दिया। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए या तो आप यहाँ पे माउस लोगे, फाइल में आओगे, यहाँ पे सेव करोगे, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो यूज ऑल्ट एफ, और ये हमारा ऐसे यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सेव ऑल्ट एफ एस, अदरवाइज वी कैन यूज कंट्रोल एस। आप फाइल को सेव कर लें, और सेव हो जाने के बाद आप फिर से ब्राउजर में आ जाएं। अब फिर से आप ब्राउजर में आओगे कैसे, एक तो तरीका आप माउस लेके जाओगे, फिर माउस लेके जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी कैन यूज द टैब। तो मैं यूज करता हूँ ऑल्ट एंड टैब, ऑल्ट टैब, मैं बोलता हूँ ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब। अब जहाँ पे भी आपको जाना है आप यहाँ पे आ जाएं, और मुझे मेरा ये पेज ऑलरेडी खुला हुआ है, मुझे इस पेज को रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश करने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, अदरवाइज वी कैन प्रेस द F5, और मैं एंटर भी कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ F5। आप ये देखें, ये हमारा H1 टैग है, ये हमारा H2 टैग है, ये H3, H4, H5, H6। तो जब कभी भी आपको वेब पेजेस के अंदर कुछ भी लिखना हो हेडिंग्स के तौर पे, तो वी कैन यूज द H1, H2, H3, H4, H5, H6, दीज आर द हेडिंग टैग्स। बिलीव मी, बहुत सारे आप YouTube के ऊपर वीडियो देखेंगे, ये केवल H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये अपने आप में एक वीडियो है। इनफैक्ट लोगों ने इसे एक बिजनेस बना रखा है, वो ये चाहते हैं कि भाई मैं 10-10 मिनट का वीडियो बना के 10 वीडियो डाल दूँ। मेरा इंटेंशन ये नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट मैं कम टाइम में दे पाऊँ, क्योंकि इतना सुनने का टाइम किसी के पास नहीं होता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है मुझे। मैं भी देखता हूँ जब वीडियो को, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। मैं नहीं चाहता कि आप इन बातों से परेशान हो, आपके ये कंटेंट हैं जिनसे आपको मतलब होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ HR फॉर हॉरिजेंटल लाइन। अब आप देखो ऊपर में एक लाइनिंग आ गई यहाँ पे, अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ HR मतलब हॉरिजेंटल लाइन। अब मैं यहाँ बोल देता हूँ कलर इज इक्वल टू रेड, तो ये जो लाइन आएगी हमारी वो रेड कलर की आएगी। अगेन मैं यहाँ बोलता हूँ HR कलर इज इक्वल टू रेड, तो ये हमारी लाइनिंग जो आएगी वो रेड कलर की आएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी हमने ये बीच में यहाँ पे डाला है, ये जो हमारा लेफ्ट अलाइन होकर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर अलाइन होना चाहिए। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू राइट, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेंटर, बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे सेंटर डाल दिया, और मैंने यहाँ पे सेंटर को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये जो कुछ भी अवेलेबल होगा वो सेंटर में यहाँ पे निकल के सामने आया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मैं ये जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ, ये जो बैकग्राउंड कलर है मुझे इसे चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉडी में आता हूँ, और बॉडी में यहाँ बोलता हूँ बीजी कलर, और बीजी कलर में मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिस वन। अब ये हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब मुझे फोरग्राउंड कलर चेंज करनी है, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज ब्लू। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड बीजी कलर, आप यहाँ पे जो भी कलर डालना चाहें, आप रेड डाल दें, ब्लू डाल दें, ग्रीन डाल दें, आप जो भी कलर यहाँ पे डाल देंगे उस तरह की आपकी वेब पेज आ जाएगी, और जो आप टेक्स्ट में यहाँ पे कलर डाल दोगे उस तरह की आपकी चीज़ें यहाँ पे कलर में आ जाएंगी। अब ये आपका यहाँ पे चेंज हो गया। तो अब यदि मैं बात करूँ तो फॉर बैकग्राउंड कलर के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करनी है बीजी कलर। ये कंप्लीट पेज की बैकग्राउंड आप सेट कर रहे हो, और ये अपने कंप्लीट पेज की टेक्स्ट को आप सेट कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस वन, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ ब्लू। अब यदि मैं इसे यहाँ पे रन करूँ, यहाँ आ रहा है। अब हम आते हैं अगले टैग के तरफ, और अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक यहाँ पे बड़ी अच्छी सी टैग होती है मार्क्यू।
अक्सर आपने देखा होगा वेब पेज वगैरह जब बन के आते हैं। मैं यहाँ पे मार्क्यू को क्लोज कर देता हूँ, मैं मार्क्यू को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ थैंक्स एंड वेलकम, थैंक्स एंड वेलकम। मैं यहाँ पे मार्क्यू को क्लोज कर देता हूँ और मैं इसे रन करूँ यहाँ पे। अब ये ऊपर में आप देखो यहाँ पे ये मार्क्यू आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है थैंक्स एंड वेलकम। ये क्यों आ रहा है? चूंकि मैंने वहाँ पे मार्क्यू टैग यूज़ किया है। अब मैं चाहता हूँ इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो मैं इसे H1 कर देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ H1। आप किसी भी टैग के अंदर दूसरे टैग को यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे H1 लगा दिया, अब ये इसका साइज हमारा इंक्रीज हो गया। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता तो थोड़ा देखने में और ज़्यादा बेहतर लगता, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बीजी कलर, और बीजी कलर में मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाइट। अब यदि मैं इसे रन करूँ तो ये हमारा वाइट कलर में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका स्पीड है, ये स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता तो बेहतर होती। भाई आज के टाइम में हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो थोड़ी सी स्पीड तो ज़्यादा होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्क्रॉल अमाउंट, आप यहाँ पर डालते हैं स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर देता हूँ स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू 100, तो 100 पिक्सल एक बार में मूव करेगा। अब ये तो शायद कुछ ज़्यादा ही आपकी बुलेट ट्रेन बन जाएगी, आप देख भी नहीं पा रहे हो, तो आप एक काम करो कि इसका साइज़ जो है आप रिड्यूस करो। जस्ट मैंने इसका साइज़ कर दिया 50, अब थोड़ा सा बेहतर, ये राजधानी की स्पीड से आ रही है तो मैं थोड़ा सा और इसका साइज़ कम कर लेता हूँ। वही हमें तो पैसेंजर ट्रेन की आदत है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये। अब ये सही है, ये सही आ रहा है, हमें दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट यूज़ कर सकता हूँ, और स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ करके मैं इसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ करा कि भाई मार्क्यू बीजी कलर, अब इसी तरह से मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मार्क्यू बीजी कलर, और मैं यहाँ पर मुझे स्लो करना है, तो स्लो करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करते हैं स्क्रॉल डिले। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500 मतलब हाफ सेकेंड, ये मिली सेकेंड में होता है, तो 500 मतलब मिली सेकेंड, हाफ सेकेंड है ये, तो ये हमारा आधे आधे सेकेंड पे। आप नीचे वाले को देख लो, ये तो बिल्कुल सर नेपाल वाली ट्रेन हो गई। यदि आपने कभी नेपाल वाले ट्रेन का एक्सपीरियंस किया होगा तो वहाँ पर ट्रेन ऐसी ही चलती है। तो आप ये देखो यहाँ पर ये चीज़ें इस तरह से आ रही हैं, क्यों? चूँकि आपने यहाँ पर डाल दिया स्क्रॉल डिले, आपने कर दिया 500। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, मार्क्यू बिजी कलर, और मैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट, मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ बोलता हूँ डायरेक्शन, और डायरेक्शन इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ राइट। अब यदि मैंने कर दिया डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट, अब ये आपका इधर से आ, क्यों? चूंकि आपने वहाँ पर डायरेक्शन को चेंज कर दिया, आपने डायरेक्शन राइट कर दिया। अब यदि मान लीजिए मैं एक और मार्क्यू लेता हूँ बिजी कलर, मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, इसे सिल्वर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ डायरेक्शन, डायरेक्शन इज इक्वल टू मैं यहाँ पर कर देता हूँ डाउन। अगर मैंने डायरेक्शन को डाउन कर दिया तो ये मार्क्यू हमारा ऊपर से आ रहा है। तो ये मार्क्यू, ये देखने में अच्छा लगता है, एक अच्छी चीज़ है। मार्क्यू के ऊपर भी आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे और उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखो डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका चाहता हूँ कि भाई इसका विड्थ और हाइट, विड्थ को कम कर दूँ क्योंकि विड्थ की इतनी जरूरत नहीं है। मैं बोल देता हूँ विड्थ इज इक्वल टू 50%, तो ये 50% एरिया ही ले रहा है हमारा। और मैं इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ हाइट इज इक्वल टू 30%। परसेंट में यदि आप दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, मैं बाद में बात करूँगा कि परसेंटेज का क्या बेहतर। आप देखो यहाँ पे ये हमारा मार्क्यू आ रहा है, ये अलग अलग तरह के मार्क्यू को आप ला रहे हो यहाँ पे। तो आपने डायरेक्शंस, आपने व्हाट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर, लाइक मार्क्यू टैग हैविंग द बीजी कलर, मार्क्यू टैग के अंदर आपको बीजी कलर यूज़ करना है, स्क्रॉल अमाउंट यूज़ करनी है, स्क्रॉल डिले यूज़ करना है, आपको यहाँ पर डायरेक्शंस यूज़ करनी है। सपोज करें मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मार्क्यू, मार्क्यू बीजी कलर इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बिहेवियर इज इक्वल टू ऑल्टरनेट, बिहेवियर इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ऑल्टरनेट। अब यदि मैंने बिहेवियर इज इक्वल टू ऑल्टरनेट दे दिया, और यहाँ पे काम कर लो कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट लगा देता हूँ, अब यदि मैं इसे रन करूँ, ये देखो ये जो लास्ट वाली नीचे वाली मार्क्यू है, आप इस मार्क्यू को देखो, ये देखें आप, क्योंकि आपने यहाँ पर बिहेवियर इज इक्वल टू ऑल्टरनेट कर दिया। ऑल्टरनेट बिहेवियर का मतलब है कि इस तरीके से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से वापस आएगा। अच्छी बात है भाई, अपने डेस्टिनेशन पे गया वहाँ से वापस आ गया, दैट्स गुड। तो ये हमारा मार्क्यू टैग है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम अब इस पर कंज्यूम नहीं करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा मार्क्यू टैग है, मार्क्यू टैग के अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले, बिहेवियर, डायरेक्शंस, विड्थ हाइट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, यदि हमें कुछ भी लिखना हो, कुछ भी दिखाना हो, तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ P4 पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ करता हूँ, लेकिन पैराग्राफ टैग के साथ एक समस्या है। यदि मैं P यहाँ पे क्लोज कर दूँ P को, तो मैंने तो तीन लाइन में लिखा है इसे, लेकिन ये यहाँ पे सिंगल लाइन में आ रहा है। अब ये सिंगल लाइन में क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने P टैग यूज़ किया, P मतलब पैराग्राफ, इसे जहाँ जगह मिलेगा ले लेगा। अब P
पी से ज़्यादा बेहतर होता है कि मैं यहाँ पर प्री टैग लगा दूँ। अब यदि मैं यहाँ पर प्री टैग लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर प्री टैग लगा देता हूँ, अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर ये जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा आ रहा है। यदि मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ तो ये स्पेस को भी ले रहा है, ये स्पेस भी ले रहा है। यदि मैं इसे सेव करूँ और मैं इसे रन करूँ, ये देखें ये स्पेस को भी ले रहा है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है पी के अंदर और प्री के अंदर। प्री हमारा फॉर्मेटेड होता है, दैट वी नीड टू टेक केयर। मुझे अब क्या करना है भाई, इसका कलर मुझे चेंज करना है, मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, और फॉन्ट को मैं यहाँ पे आके बंद कर देता हूँ। ये जो हमारा फॉन्ट टैग है मैं इसे यहाँ पे आके बंद कर देता हूँ। अब यदि मैं इसे रन करूँ तो ये हमारा रेड में आ रहा है, बाकी तो टेक्स्ट हमारे ब्लू में आ रहे हैं लेकिन वो चीज़ें हमारे रेड में आ रही। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बोल्ड हो के आता तो देखने में ज़्यादा बेहतर लगता, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बी फॉर बोल्ड। मैं यहाँ पे बी करता हूँ, अब ये हमारा जो कुछ भी आएगा वो बोल्ड होकर आएगा आपके सामने। ये देखो ज़्यादा बेहतर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन होकर आता या इटैलिक होकर आता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इटैलिक आई, मैं यहाँ पे लेता हूँ आई, आई को मैंने क्लोज कर दिया। अब ये हमारा ये इटैलिक होकर आ रहा है। तो कभी भी आप बोल्ड बी फॉर बोल्ड आई फॉर इटैलिक, वी कैन यूज यू फॉर अंडरलाइन, आप यहाँ पर अंडरलाइन कर दें इसे। अब ये हमारा अंडरलाइन होकर आएगा और ये चीज़ें हमारी। तो ये हमारा, अभी मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है तो वी कैन यूज साइज फॉन्ट साइज, और मैक्सिमम साइज आप यहाँ पे 8 ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे साइज डाल दिया और ये हमारा साइज है यहाँ पे, ये हमारा आप 8 के जगह जी आप 80 कर दोगे तब भी आपको वही रिजल्ट मिलना है क्योंकि मैक्सिमम साइज इसका यही है। आप यदि 5 कर दोगे 3 कर दोगे तो साइज रिड्यूस हो जाएंगी। आप यदि 8, ये इसका मैक्सिमम साइज है जो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये हमने बात करी फॉन्ट की, हमने बात करी कि कलर कैसे सेट करोगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे लगाओगे, पी कैसे यूज़ करोगे, प्री कैसे यूज़ करोगे, पी एंड प्री के अंदर बीच में अंतर क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाना है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ओएल। ओएल मतलब ऑर्डरिंग लिस्ट, ऑर्डर्ड में लिस्ट बन के आ जाएगी 1 2 3 4। अब यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ लिस्ट एल आई, अब मैंने यहाँ पे लिस्ट को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब यदि मैं यहाँ पे लिस्ट को डालता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट को डालता हूँ, अब यदि मैं इसे रन करूँ, ये राजी आपका लिस्ट 1 2 3 4 5, आपको ऑर्डरिंग मिल रही है ना यहाँ पे, बिकॉज वी आर यूजिंग द ओएल, ओएल स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग लिस्ट। अब इस ओएल के जगह पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो यूएल, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो यूएल। अभी मैं इसे यूज़ करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे यूएल, अब अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूएल, अब अभी मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, ये हमारा यूएल। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम किसी लिस्ट के अंदर भी लिस्ट लगा सकते हैं, हम बात करेंगे इसके। अब सपोज करो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक हमारा यहाँ पे टैग होता है एंकर टैग। अब ये हमारा एंकर टैग एग्जैक्टली होता क्या है, सपोज मेरा ये इमेज है। अब ये इमेज को मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली ये हमारा इमेज है क्या। अब ये जो हमारा इमेज है इसका नाम है वॉलपेपर, मैं इसका नाम चेक कर लेता हूँ, इसका नाम क्या है, wallpaper.jpg करके हमारा फाइल है और ये इसकी लोकेशन है। तो मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ जो भी उसका लोकेशन है, और मैं चाहता हूँ कि ये पेज जो है ना, ये इमेज हमारे वेब पेज में आ जाए। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ img src इज इक्वल टू, और जो भी आपका इमेज है उसका जो एक्सटेंशन है आप वो नाम डाल दें यहाँ पे, और मैं इमेज को यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब जैसे मैं इमेज को यहाँ पर बंद करूँगा, अब यदि मैं इस पेज को ओपन करूँ तो वो जो आपकी इमेज आपने वहाँ पर देखा था वो पेज हमारे वेब पेज पर आ रहा है। लेकिन ये जो इमेज है, इमेज तो काफ़ी खूबसूरत इमेज है, लेकिन ये जो इमेज आ रहा है इसका साइज बहुत बड़ा है भाई, इतना बड़ा साइज आप इमेज को मत डालो। आप एक काम करो, इसका विड्थ और हाइट लेके आप इसे सेट करो। मैं यहाँ पे डालता हूँ विड्थ इज इक्वल टू 100 कर देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाइट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100। अब इसका जो साइड है आपने रिड्यूस कर दिया, अब ये इसका साइज आ रहा है। अब मैं इसे थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, इसके साइज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500, और इसको भी मैं कर देता हूँ 500, तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। तो यदि आप इमेज लेना चाहते हो तो आप इमेज इस तरह से ले सकते हो, img src मीन्स सोर्स, जहाँ से इमेज आना है। यदि आपका इमेज ई ड्राइव में है तो आप यहाँ पर डालते हैं /e/, यदि आपका इमेज डी ड्राइव में है तो आप यहाँ पर डाल दें। बेहतर ये होता है कि भाई जहाँ पर आपका html फाइल है आप वहीं पर इमेज को रखो, या एक फोल्डर बना के इमेज को रख लें। तो यदि मुझे इमेज लेना, अब एक अच्छी चीज़ आप ये देखो कि इस इमेज के अंदर भी आप मार्क्यू टैग यूज़ कर सकते हो। इस इमेज के अंदर भी मैं यहाँ पर मार्क्यू टैग को यूज़ कर सकता हूँ। अभी मान लो मैं मार्क्यू टैग लगा दिया, अब ये आपका इमेज जो है यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा है। भाई आप मार्क्यू टैग कहीं भी लगा सकते हो, पूरे पेज में आप जहाँ भी लगाना चाहो आप लगा दो। तो मैं यहाँ से मार्क्यू टैग को हटा दे रहा हूँ, अब मैं इस मार्क्यू टैग को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो यदि मुझे इमेज लेना है तो आप इसके लिए ये कर। अब यहाँ पे एक होता है हमारा एंकर टैग, हम यहाँ बोलते हैं
एच एफ इज इक्वल टू, अब मैं यहां बोलता हूं वॉलपेपर डॉट जेपीजी। इसका मतलब ये कि जब मैं इस वॉलपेपर डॉट जेपीजी और मैं यहां पर बोलता हूं इमेज की दुनिया, अब मैं यहां पे ये डालता हूं और मैं यहां पे आईएमजी को बंद करता हूं, अब मैं यहां पे क्या सॉरी इसमें ए को बंद करता हूं, अब इस ए मतलब एंकर टैग और एचडीएफ मतलब हाइपर रेफरेंस, एचडीएफ मतलब हाइपर रेफरेंस। मैंने यहां पे अपने पेज का नाम डाल दिया वेलपेपर डॉट जेपीजी और मैंने इसे यहां पे क्लोज कर दिया। अब मैं यहां पे आता हूं, अब यदि मैं ऊपर में आऊं यहां पे ये हमारा यहां पे आ रहा है इमेज की दुनिया, अब यदि मैं इस इमेज की दुनिया पे क्लिक करूं ये आपका इमेज जो आपने वहां पे दिया था ये हमारा ओपन होकर आ जाएगा। तो एक पेज से दूसरे पेज को यदि कभी भी आपको लिंक करना है वी कैन यूज द एंकर टैग। मैं यहां पे हूं मुझे दूसरे पेज पे जाना है, आई विल जस्ट नीड टू गिव द नेम ऑफ द पेज, जो भी आपका पेज है उसे आप नाम दे दें, उस पेज का नाम दे दें और जो भी यहां पे दिखाना आप दिखा दें वो आपकी इमेजेस वहां पे अपलोड हो जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट टैग है, यदि हमें लिंक बनानी है हाइपर लिंक बनानी है आप कैसे बनाओगे, हमें इमेजेस लेने हैं तो आप कैसे लोगे, ए स्टैंड फॉर एंकर, एच एफ स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस, दैट वी नीड टू रिमेंबर। तो ये हमने बात कर ली छोटे छोटे टैगों की और अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे पूरे HTML के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी होगी। हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टेबल्स की, मैं यहाँ पर बात करूँगा टेबल की। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ टेबल, मुझे टेबल क्रिएट करनी है HTML के अंदर, मैं यहाँ पर लेता हूँ टेबल और टेबल के अंदर आप यहाँ पर लोगे TR का मतलब टेबल रो और इस टेबल रो के अंदर मैं यहाँ पर डालता हूँ TH, TH का मतलब टेबल हेडिंग और इस TH में आप जो भी डालना चाहो, मैं यहाँ पे डालता हूँ एम्प्लाई नंबर, ये हमारा TR के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया TH, ये रहा हमारा एम्प्लाई नंबर, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये हमारा एम्प्लाई का सैलरी है और ये हमारा यहाँ पे एम्प्लाई का नाम है। अब अगेन मैं यहाँ पे लेता हूँ TH के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ TR और मैं यहाँ पे लेता हूँ TD मीन्स टेबल डेटा। अब मैं टेबल में डेटा डालता हूँ एम्प्लाई नंबर 1, अगेन TD इम्प्लाई नेम लाइक इम्प्लाई नेम इज दिस वन, अगेन मैं यहाँ पे लेता हूँ TD, फिर से मैं लेता हूँ TD और ये हमारा इम्प्लाई सैलरी है, मैं यहाँ पे सैलरी डालता हूँ और मैंने यहाँ पे डाल दिया TD। अब यदि मैं इसे बंद करूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ, दो चार और मैं ले लेता हूँ और अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ इसे तो ये हमारा यहाँ पे टेबल बन के आ गया, एक अच्छा सा टेबल आपके सामने है। लेकिन अभी मज़ा नहीं आ रहा इस टेबल को देख के, हमें क्या चाहिए भाई, टेबल है तो थोड़ी सी बॉर्डर वगैरह होगी तो ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ बॉर्डर, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बॉर्डर इज इक्वल टू 5, अब मैंने यहाँ पे बॉर्डर डाल दिया, अब कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है पहले से। और मैं यहाँ पे जस्ट गोइंग टू सेट द बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बीजी कलर इज इक्वल टू और मैं बोलता हूँ बीजी कलर इज इक्वल टू वाइट। अब यदि मैं करूँ ये हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पर वाइट आ गया और मैं थोड़ा सा इसका विड्थ और हाइट बढ़ा लेता हूँ, तो मैं यहाँ बोलता हूँ विड्थ इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ 100%, ये पूरा स्क्रीन ले लेगा। अब मैं यहाँ बोलता हूँ हाइट इज इक्वल टू, मैं यहाँ बोलता हूँ 50%, ये पूरी आधा स्क्रीन ये ले लेगा। अब ये टेबल हमारा आ रहा है, आप जरा गौर करें मैंने यहाँ पे TH यूज़ किया था टेबल हेडिंग, हेडिंग्स हमारा बोल्ड होकर आ रहा है और ये सेंटर अलाइन होकर आ रहा है और TD जब मैंने यूज़ किया था वो लेफ्ट अलाइन होकर आ रहा है और ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है। तो दैट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन TH एंड TD। TH जब आप लेते हो तो वो सेंटर अलाइन होता है, बोल्ड होता है, जब आप TD लेते हो लेफ्ट अलाइन होता है और नॉर्मल टेक्स्ट में आता है। अभी मैं यहाँ पे इसका साइज़ को रिड्यूस कर दूँ, अभी इसका विड्थ आपने 100 लिया है, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट 60%, अब ये साइज हमारा यहाँ पे कम हो गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक हेडिंग्स डालनी है, लाइक ऊपर में मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स, आई नीड टू गिव द हेडिंग ओवर देयर। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ TR, मैं यहाँ पे लेता हूँ TR और मैं यहाँ पे बोलता हूँ TH और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स। अब मैं यहाँ पे TH को बंद कर देता हूँ, मुझे एक ही TH चाहिए भाई, हमें एक ही चीज़ दिखानी है वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे TR को बंद करता हूँ। समस्या अब यहाँ पे ये है कि आपके टेबल में जो सेल चल रही है वो आपने यहाँ पे 3 कॉलम ले रखा है, तो मुझे यहाँ पे ये केवल एक ही कॉलम को जस्टिफाई कर रहा है, यहाँ पे जो दो बाकी के कॉलम्स हैं वो अभी ब्लैंक हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों कॉलम को फिल करनी है, मतलब आपको इस एक कॉलम को मर्ज करना है इस 3 कॉलम के। तो आप यहाँ पे मर्ज कैसे करोगे, बहुत मुश्किल कमांड होता है मर्ज करना, नॉर्मली लोग तो कर भी नहीं पाते, चलो आप हो तो मैं करता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3, इट्स रियली इजी, इट्स नॉट टफ, व्हाट यू नीड टू यूज, वी जस्ट नीड टू यूज कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। अब यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉल स्पैन 3, अब ये 3 कॉलम का जगह ले रहा है, आ गया अपने जगह पे। अभी मैं यहाँ पे कर दूँ कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, तो ये 2 कॉलम का जगह लेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन मर्ज द कॉलम कॉल स्पैन। अब मुझे क्या करना है, यही काम मुझे नीचे भी करना है, मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे,
तो मैं फिर से यहाँ पे लेता हूँ टी आर टी, इस टी आर और टी एच को मैं यहाँ पे लेता हूँ कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ टी एच, मैं बोलता हूँ कॉपी राइट, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कॉपी राइट। अब अगर मैं यहाँ पर रन करूँ, अभी नीचे हमारा ये कॉपी राइट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बड़ा होकर आता है, ये हेडिंग से तो ज़्यादा बेहतर होता, तो आप रोका किसने यहाँ पे, काम करो आप यहाँ पे एच वन लगा दो ना, एक टैग के अंदर हम दूसरा टैग तो ले ही सकते हैं, आप यहाँ पे एच वन लगा दो। अब यदि मैं यहाँ पे एच वन लगाता हूँ, मैं इसे बंद करता हूँ, अब ये रहा, ये ज़्यादा बेहतर आ रहा है, वही आपका टेबल आपके सामने। तो हमने बात करी यहाँ पे बॉर्डर, बीजी कलर, विड्थ, हाइट, कॉल स्पैन, टी आर, टी डी, टी एच। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों एम्प्लॉय नंबर हैं भाई साहब, ये नीचे वाले दोनों, इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, मतलब इस दोनों रो को मर्ज करना है। अभी मैंने कॉलम को मर्ज किया था, मुझे इस रो को मर्ज करना है। अब रो को मर्ज करना बहुत मुश्किल काम है, आप कर नहीं पाओगे, चलो मैं देखता हूँ आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। रो मर्ज करने के लिए व्हाट वी नीड टू यूज, वी जस्ट नीड टू यूज रो स्पैन। मैं यहाँ पर बोलता हूँ रो स्पैन, मैं यहाँ पर बोलता हूँ रो स्पैन, और मैं बोलता हूँ रो स्पैन इज इक्वल टू टू। अब चूंकि मैंने यहाँ पर रो स्पैन टू डाल दिया, तो अब इस रो की जगह तो बची नहीं, आप इसे यहाँ से हटा दो। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पर, ये देख आपने इन दोनों को मर्ज कर दिया, यहाँ पर ये दोनों हमारे मर्ज हो गए। तो रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन, कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन। अब एक चीज़ यहाँ पर और होती है बॉस, और आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कॉल स्पेसिंग। कॉल स्पेसिंग इज इक्वल टू, कॉल स्पेसिंग इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कॉल स्पेसिंग इज इक्वल टू फाइव। यदि मैंने यहाँ पर डाल दिया कॉल स्पेसिंग फाइव, तो दो कॉलम के बीच में जो स्पेस आएगा, आप ये मैंने यहाँ पर बोल दिया कॉल कॉल स्पेसिंग इज इक्वल टू फाइव। अब दो कॉलम के बीच में जो यहाँ पर स्पेस आएगा, चेक कर लूँ, कॉल सेल स्पेसिंग, मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू फाइव। अब मैंने यहाँ बात कर ली सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू फाइव, आप जरा गौर करें कि हर एक सेल के बीच में फाइव पिक्सल्स की जगह आ रही है। अभी मान लो फाइव की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेन, अब यदि मैं इसे रन करूँ, हर एक सेल के बीच में टेन की स्पेस आ रही है। तो दिस इज वॉट एग्जैक्टली द सेल स्पेसिंग इज। अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सेल पैडिंग, अब मैं बोलता हूँ सेल पैडिंग इक्वल टू टेन, मैं बोलता हूँ फाइव। अब ये सेल स्पेसिंग और ये सेल पैडिंग, अब इसे समझना है, ये सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का मतलब क्या है? आपका ये जो टेक्स्ट है और ये जो लाइन आ रही है, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है वो क्या है? आपका ये टेक्स्ट है और ये जो लाइनिंग है, इन दोनों के बीच का गैप जो है, ये जो गैप है इसकी मैं बात कर रहा हूँ सेल पैडिंग। और सेल स्पेसिंग का मतलब ये जो बीच में स्पेस आ रही है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं सेल स्पेसिंग। अब यहाँ पर आपने टेबल तो यूज़ कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा ये यदि सेंटर में आता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लगा देता हूँ अलाइन, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अब यदि मैं अलाइन सेंटर कर दूँ तो ये हमारा बीच में आ रहा है, लेकिन ये बीच में तो आ रहा है लेकिन ये मिडिल में आ रहा है, मैं चाहता हूँ मिडिल के जगह ये टॉप में आता तो ज़्यादा बेहतर लगता, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वी अलाइन। याद रखेंगे एक होता है अलाइन और एक होता है वी अलाइन, वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइन और एक होता है अलाइन मतलब हॉरिजेंटल अलाइन। तो मैं यहाँ बोलता हूँ वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप, अब यदि मैंने टॉप में डाल दिया, ये हमारा यहाँ पर टॉप में आ रहा है। दैट्स इट, यही हमारे टेबल्स के टैग हैं जो आपको याद रखना है। मैंने बात कर ली वी अलाइन की, वर्टिकल अलाइन आप यहाँ पर डाल सकते हो टॉप मिडिल बॉटम, आप यहाँ पे ले सकते हो अलाइन सेंटर कर सकते हो लेफ्ट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट होता है वो राइट कर सकते हो। वी कैन यूज टी आर टी डी टी एच, वी कैन यूज सेल स्पेसिंग, वी कैन यूज सेल पैडिंग, वी कैन यूज विड्थ हाइट बीजी कलर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। इस तरह से आपका ये टेबल बन के तैयार हो गया। अब टेबल के साथ एक सबसे अच्छी बात जो है जो आपको याद रखना है, एक टेबल के अंदर हम दूसरा टेबल बना सकते हैं, किसी भी टेबल के अंदर आप यहाँ पर दूसरा टेबल बना सकते हो। जैसे मैं इस टेबल के अंदर इस टी डी के अंदर एक नया टेबल बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस टी डी के अंदर एक नया टेबल बनाता हूँ, मैंने फिर से एक टेबल बना दी उस टेबल के अंदर टी डी के अंदर, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको पता लगे कि आप टेबल के अंदर टेबल बना रहे हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया सिल्वर, ये विड्थ हाइट वगैरह मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, आप जरा गौर करें, एक टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे टेबल डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा जगह ले लें यहाँ पे, तो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट वी नीड टू यूज विड्थ इज इक्वल टू 100%, वो उस एरिया को पूरा यूज़ कर लेगा। या तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि वी कैन क्रिएट द टेबल विद इन ए टेबल। टेबल के साथ सबसे अच्छी बात यह, अभी शुरुआत के लिए आपको टेबल के ये जो टैग हैं इसे अच्छे तरीके से समझनी है, और बिलीव मी जब आप आगे काम करोगे ये जो टेबल हैं इसके ऊपर आपको काफ़ी काम करना होगा। टेबल के अलावा मैं और भी बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में टेबल्स के ऊपर डिटेल्स में, मोरलेस टेबल के कंटेंट यही है जो आपको याद रखनी है।
अब टेबल के अलावा मैं यहाँ पर बात करता हूँ फॉर्म्स के। ये हमारा यहाँ पर फॉर्म्स है। फॉर्म बनाने के लिए भाई आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो बनाओगे, आप एंट्री तो करोगे कम से कम, मैं क्लाइंट को एक फॉर्म तो दोगे जहाँ पर बेचारा कुछ डाल पाए। तो मान लीजिए मुझे एक फॉर्म बनाना है, मैं आप बोलता हूँ नाम नेम और मैं आप बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब मैं बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अभी मैं इसे रन करूँ यहाँ पर, अब आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कुछ लिख सकते हो। अरे मान लीजिए मुझे पासवर्ड के लिए लेना है, मैं बात करूंगा ये नेम का मतलब क्या है। अभी आप नेम नहीं भी दोगे तब भी काम होगा। अरे मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, मैंने यहाँ पे डाला पासवर्ड। अब मैं आप बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड और मैं आप बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू पी वाई। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर पासवर्ड, आप यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हो। इसी तरह से मान लें मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ सेक्स। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे लेना है रेडियो और मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू आर वन और मैं यहाँ पे डालता हूँ मेल। एक मैंने यहाँ पे मेल डाल दिया और दूसरा मैं यहाँ पे फीमेल डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा फीमेल डाल देता हूँ। आप ज़रा गौर से देखें कि दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, या तो आप इसे सिलेक्ट कर पाओगे या आप इसे सिलेक्ट कर पाओगे। क्यों? चूँकि आपने नाम यहाँ पे सेम कर रखा था, नाम मैंने डिफरेंट कर दिया, मैंने आर टू कर दिया, तो भाई आप तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो और ये तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू मेक द सेम नेम ओवर देयर। लाइक आपने आर वन नाम दे रखा है, यहाँ पर भी हमने आर वन देना है। अब ये हमारा यहाँ पे काम कर। इसी तरह से मान लें मुझे यहाँ पे चेक बॉक्स लेना है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ लैंग्वेज। अब मुझे यहाँ पे चेक बॉक्स लेना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स नेम इज इक्वल टू सीवन और मान लें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंग्लिश। अब यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं आप बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू सी टू और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हिंदी। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे चेकबॉक्स आ गया, आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे चेकबॉक्स है। इसी तरह से हम यहाँ पे बटन ले सकते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अब ये हमारा यहाँ पे सबमिट बटन आ जाएगा। अभी आप इसे रन करो, सबमिट बटन एक ऐसा बटन होता है जो पेज को रिफ्रेश करता है। आप देखें जब मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, आप इस जगह पर देखें यह ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है। सबमिट का मतलब होता है कि आपका पेज रिफ्रेश होगा। और दूसरा मैं यहाँ पर बटन ले सकता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर बोलता हूँ रीसेट, मैं यहाँ पर बोलता हूँ रीसेट। और जब मैं यहाँ बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, तो रीसेट का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी लिखोगे उसे वो कैंसिल कर देगा, आपने लिखा वो उसे कैंसिल कर देगा। सबमिट का मतलब होता है वो पेज को फ्रेश करेगा, रिफ्रेश करेगा। रिसेट का मतलब वो उसे कैंसिल करेगा। तो ये हमने बात कर ली फॉर्म्स की, ये हमने बात कर ली टेबल्स की, और जो छोटे छोटे टैग्स हैं वो आपके सामने हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एग्जैक्टली मैंने ये सोच रखा था कि मैं इसे एक वीडियो में फिनिश करूँगा, लेकिन कंटेंट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि अब मेरा प्लान ये है कि भाई मैं इसे कंटिन्यू करूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो इसकी कंटिन्यूटी होगी। आप यदि इस वीडियो को देखोगे तो अगले दिन तक यानी कल तक मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस। आपको अगली वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे मोर लेस यहाँ पे मैंने एचटीएमएल के बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं और इसके अलावा जो एडवांस चीज़ें हैं वो मैं कल डिस्कस करूँगा, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो फॉर द टाइम बिंग व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू डू द प्रैक्टिस विद दिस। और मैंने चीज़ों को बड़ा सिंपल रखने की कोशिश करी है। मैं यहाँ पे आपसे बहुत लंबी लंबी बातें नहीं कर रहा हूँ कि आप ये एडिटर डालो, कुछ नहीं, आप नोटपैड ओपन करो, ब्राउजर में रन करो, दैट्स इट। आप कहीं भी बात करोगे, किसी भी ट्यूटोरियल्स में देखोगे, कभी भी आप बात करोगे तो HTML के यही टैग्स हैं और इन टैग को आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पे कलर चेंज करके देखो, बॉर्डर का विड्थ और हाइट चेंज करके देखो, आप देखोगे एंड बिलीव मी आप इंजॉय करोगे। लाइक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मार्क्यू टैग चलाया। आप इस मार्क्यू टैग के अंदर मल्टीपल इमेज डालो और चीज़ों को करो, आपको बेहतर फील होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, यदि आप नए यूज़र हो, यदि आपको HTML नहीं आती है, बिलीव मी आप इसको इंजॉय करोगे। ऑफ फॉर द टाइमिंग नाउ यू नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं इसकी कंटिन्यूटी वीडियो होगी जिसमें बात करूंगा। अब इस तरह का फॉर्म यदि तुम क्लाइंट को बना के दोगे, सर क्लाइंट भाग जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा वो, और क्लाइंट भाग जाएगा तो आप कंपनी में रह के करोगे क्या? जी जी, तो मेरे कहने का मतलब इस तरह का फॉर्म, ये तो मैं आज फर्स्ट डे आपके साथ बैठा हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ और फिर मैं बात करूँगा। और थैंक्स अ लॉट, आप इंजॉय करें इस पूरे सेशन को और बिलीव मी यदि कोई प्रॉब्लम हो आप कॉमेंट करें, गिव योर फीडबैक। आपके सजेशंस, आपके फीडबैक हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशनल होता है। आप कभी कभी मैं वीडियो अक्सर डालने में लेट हो जाता हूँ,
प्रॉब्लम होती है, थोड़ी टाइम की दिक्कत हमें भी होती है, लेकिन बिलीव मी हमारी कोशिश ये होती है कि सारे वीडियो को, सारे सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा। और फॉर द टाइम बिंग आप इस HTML के सेशन को एंजॉय करें, थैंक्स अ लॉट। और किसी अदर टेक्नोलॉजी के लिए लाइक ओरेकल के बहुत सारे वीडियोज हैं, HR राउंड इंटरव्यूज, क्वेश्चंस आर देयर, आप उन क्वेश्चंस और आंसर्स को भी देख सकते हो। अगेन जो हमारी प्लानिंग है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू लोड द वीडियो फॉर द पाइथन Django, इनके वीडियोज भी आपको जल्द ही मिलेंगे हमारे चैनल पे। जस्ट थोड़ी सी टाइमिंग की दिक्कत है, जस्ट मैं टाइम को एडजस्ट कर रहा हूँ, एंड आई विल गिव यू द डिटेल्स, वीडियो एंड ऑल। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय द डे, हैप्पी लर्निंग।